नमस्कार दोस्तों, अनएकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह है आपका काउंटर क्लेम और क्रॉस प्रपोजल। काउंटर प्रपोजल क्या होता है और इसका इफेक्ट क्या होता है, ये सब हम आज क्लास में पढ़ेंगे। तो आपके काउंटर प्रपोजल का जो अर्थ होता है वो क्या होता है वो सबसे पहले हम जानते हैं। व्हेन वन पर्सन मेक्स अ प्रपोजल टू अदर ही मे रिजेक्ट द प्रपोजल, यानी कि जब एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को कोई प्रपोजल दिया है तो वो रिजेक्ट कर सकता है प्रपोजल को, या फिर ही मे मॉडिफाई और अमेंड द प्रपोजल। सो द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड मेक्स अ प्रपोजल फ्रॉम हिज साइड इन रिप्लाई इज कंसिडर्ड एज ए काउंटर प्रपोजल, यानी कि जिस व्यक्ति को प्रपोजल दिया गया है वो अपनी साइड से कोई प्रपोजल देता है रिप्लाई के अंदर तो उसको काउंटर प्रपोजल माना जाता है। इसका आप एग्जाम्पल देखिए, ए मेड अ प्रपोजल टू बी फॉर सेलिंग हिज कार फॉर रुपीज 3 लाख रुपीज, बी रिप्लाइड आई विल बाय इन 2 लाख ओनली, बी रिप्लाइड आई विल बाय इन 2 लाख ओनली। Here B reply is a counter proposal. Here B reply is counter proposal. Or B replied that I accept, but along with the car, I accept, but along with the car, deliver the cover of the car also. Condition added. So when condition is added, it is also a case of a counter proposal. And counter proposal means rejection of a proposal. यानी जो आपका ओरिजिनल प्रपोजल होता है उसको रिजेक्ट कर देता है काउंटर प्रपोजल एंड मेक्स द फ्रेश प्रपोजल। नाउ क्वेश्चन, डज काउंटर प्रपोजल मेक्स द अग्रीमेंट, क्या काउंटर प्रपोजल अग्रीमेंट बना देता है? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज देयर मस्ट बी एक्सेप्टेंस इन अग्रीमेंट, इट इज ओनली अ प्रपोजल ओनली, ये खाली प्रपोजल होता है तो यहाँ पे कोई एक्सेप्टेंस नहीं हुई है तो इसलिए अग्रीमेंट का सवाल नहीं होता। केस देखिए, अनिल चंद वर्सेस फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, प्रपोजल अलोन डज नॉट अमाउंट टू द अग्रीमेंट, प्रपोजल अलोन डज नॉट अमाउंट टू द अग्रीमेंट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी देयर। सो व्हेन अग्रीमेंट अराइजेस ऑन एक्सेप्टिंग काउंटर प्रपोजल, इट अराइजेस ऑन द टर्म्स ऑफ काउंटर प्रपोजल एंड नॉट ऑन द टर्म्स ऑफ ओरिजिनल प्रपोजल, यानी कि जब अग्रीमेंट अराइज होता है काउंटर प्रपोजल पे तब उसमें जो टर्म्स होती है उसकी वो काउंटर प्रपोजल की एक्सेप्टेंस होती है, यानी काउंटर प्रपोजल में दी गई जो टर्म्स होती है उस पर एक्सेप्टेंस होती है, नॉट ऑन द टर्म्स ऑफ ओरिजिनल प्रपोजल जिसको रिजेक्ट ऑलरेडी कर दिया जाता है पहले ही। नाउ व्हाट इज क्रॉस प्रपोजल? समटाइम इंटेंशन ऑफ द पार्टीज इज द सेम, both the parties makes the same proposal. Sometime intention of the parties is the same, both the parties makes the same proposal. But there is no agreement in such cases. They are called cross proposal because they are communicated at the same time and that incidentally proposal of one crosses the proposal of other during the communication. एक proposal दूसरे को cross कर जाता है during such communication. तो ये क्रॉस प्रपोजल होता है क्योंकि वहां पे जो इंटेंशन सेम होती है। अब इसका आप एग्जांपल देखिए, ए रोट अ लेटर टू बी और इन लेटर ही सेड आई वांट टू सेल माय कार फॉर प्राइस ऑफ 3 लाख, मॉडल नंबर 2012 एंड लेटर वाज डिस्पैच ऑन 1 जैन 2015। ही आल्सो सेड इन द लेटर, विल यू बाय द कार? So it is a proposal. By chance, B also intend to buy the car of A. वो भी उसकी कार खरीदना चाहता था। Same time, B dispatched letter to A on 2nd January. And he said in letter, I want to buy the car model 2012 for 5 lakh rupees. And I will pay for the same. The letter of A reached on B's place on 3rd January.
ए का जो लेटर था वो बी के निवास पे 3 जनवरी को पहुंचा और लेटर सेंड बाय बी रीच टू एस प्लेस ऑन 4 जनवरी। नाउ एसेंशियल ऑफ द क्रॉस प्रपोजल, पार्टीज आर द सेम सो देर मस्ट बी सेम पार्टीज, सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी सेम एंड देर मस्ट बी सम मीटिंग ऑफ माइंड लाइक बाइंग बाय वन पर्सन और सेलिंग बाय वन पर्सन रिगार्डिंग टू सच मैटर। एंड ड्यूरिंग सच कम्युनिकेशन प्रपोजल क्रॉसेस ईच अदर प्रपोजल्स, यानी कि उनके जो प्रपोजल होते हैं उसको क्रॉस कर जाता है दूसरे का प्रपोजल। क्वेश्चन इज डू क्रॉस प्रपोजल मेक्स द अग्रीमेंट बिकॉज वन वॉन्ट टू सेल अदर अदर थिंग विच इज इंटेंडेड टू बाय बाय अदर पर्सन। आंसर, क्रॉस प्रपोजल डज नॉट मेक द अग्रीमेंट, क्रॉस प्रपोजल डज नॉट मेक द अग्रीमेंट बिकॉज देर इज नो एक्सेप्टेंस सो देर कैनॉट बी अग्रीमेंट। फ्रॉम बोथ द साइड देर आर प्रपोजल इन क्रॉस प्रपोजल केस। सो क्वेश्चन, व्हाई लेटर ऑफ बी इज नॉट ट्रीटेड एज एक्सेप्टेंस? आंसर इज नो एक्सेप्टेंस बाय बी बिकॉज बी वॉज नॉट अवेयर ऑफ द प्रपोजल ऑफ ए। व्हाई लेटर ऑफ बी इज नॉट ट्रीटेड एज एक्सेप्टेंस? नो एक्सेप्टेंस बिकॉज बी वॉज नॉट अवेयर ऑफ द प्रपोजल ऑफ ए। सो इफेक्ट ऑफ काउंटर प्रपोजल, इफेक्ट ऑफ काउंटर प्रपोजल, ओरिजिनल प्रपोजल कम्स टू एंड बट वॉट इफेक्ट इन क्रॉस प्रपोजल? इन क्रॉस प्रपोजल नन ऑफ द प्रपोजल गेट एग्जॉस्टेड, इफ एनी वन ऑफ द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स द अग्रीमेंट। कोई भी प्रपोजल अगर एक्सेप्ट किया जाता है तो अग्रीमेंट बन जाता है, लेकिन जो आपके काउंटर प्रपोजल है उसमें ओरिजिनल प्रपोजल जो है वो एंड हो जाता है। डिफरेंस बिटवीन काउंटर क्लेम एंड क्रॉस प्रपोजल, काउंटर प्रपोजल एग्जॉस्ट द ओरिजिनल प्रपोजल वेर एज क्रॉस प्रपोजल डज नॉट एग्जॉस्ट द अदर प्रपोजल। सेकेंड डिफरेंस इज काउंटर प्रपोजल इज रिप्लाई ऑफ अदर प्रपोजल वेर एज क्रॉस आर इंडिविजुअल प्रपोजल फ्रॉम इज साइड एंड विदाउट नॉलेज। नाउ प्रपोजल वर्सेस इन्विटेशन, इन्विटेशन इट इज अ एरिया ऑफ एडवर्टाइजमेंट, देयर फॉर नाउ डेज इन्विटेशन टू प्रपोजल जनरली यूज टू फॉर्म द अग्रीमेंट। समटाइम स्टेटमेंट आर मेड बाय वन पर्सन टू अनदर टू इन्फ्लुएंस हिम, टू अट्रैक्ट हिम, टू टेम्प्ट हिम और इन्वाइट द अदर टू मेक द प्रपोजल। द मेकर ऑफ द स्टेटमेंट डज नॉट सीक द असेंट फ्रॉम द अदर बट ही सीक्स प्रपोजल फ्रॉम द अदर, दस ही इन्वाइट द अदर टू मेक द प्रपोजल। सच स्टेटमेंट आर कॉल्ड इन्विटेशन टू प्रपोजल, सच स्टेटमेंट आर कॉल्ड इन्विटेशन टू प्रपोजल। ऑक्शन नोटिस इज इन्विटेशन एंड बिडिंग इज द प्रपोजल, ऑक्शन नोटिस इज इन्विटेशन एंड बिडिंग इज द प्रपोजल। इफ एक्सेप्टेड देन ओनली इट बिकम द अग्रीमेंट, इफ बिडिंग इज एक्सेप्टेड देन ओनली इट बिकम अग्रीमेंट। ऑक्शन सेलर नॉट बाउंड टू सेल एट इट एट हाइएस्ट बिडिंग एंड देर इज नो सूट इन सच केसेस एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, देर इज नो सूट इन सच केसेस एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो वॉट एक्ट अमाउंट टू एक्सेप्ट इन एक्सेप्टेंस इन सच केसेस? फॉल ऑफ हैमर और बाय द वर्ड्स, फॉल ऑफ हैमर और बाय द वर्ड्स अमाउंट टू एक्सेप्टेंस इन सच केसेस स्पेशली इन केसेस ऑफ ऑक्शन एंड बिडिंग। टेंडर नोटिस इज ऑल्सो इन्विटेशन टू प्रपोजल, कॉन्ट्रैक्ट सबमिट टेंडर दिस इज प्रपोजल। सो एक्सेप्टेंस बाय द गवर्नमेंट और बाय अदर अथॉरिटी हु इन्वाइटेड प्रपोजल। सिमिलरली प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी वेयर एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फॉर शेयर ऑफ द कंपनी, इट इज इन्विटेशन टू प्रपोजल एंड अलॉटमेंट ऑफ द शेयर इज एक्सेप्टेंस, एंड अलॉटमेंट ऑफ द शेयर इज एक्सेप्टेंस। सेल्फ सर्विस शॉपिंग सेंटर फैसिलिटी बाय शॉप ओनर आर इन्विटेशन टू प्रपोजल, सेल्फ सर्विस शॉपिंग सेंटर फैसिलिटी बाय शॉप ओनर आर इन्विटेशन टू प्रपोजल। गुड्स कलेक्टेड फ्रॉम द बॉक्सेस ब्रॉट टू द काउंटर इज प्रपोजल,
goods collected from the boxes brought to the counter is proposal. When the price is accepted at the counter, that is acceptance. There is a case, Peace Society of Great Britain versus Book Cash Chemist. In England, sale of drug which is prohibited made offense. Customer entered the shop by worker, he was given a basket. He selected medicine from boxes kept in the basket, that medicine also, which were prohibited. Police raided and found medicine in the basket. Police prosecuted shopkeeper. Charges was there regarding sale of the prohibited medicine. Question: does shopkeeper committed the offence? Shopkeeper has committed any offence or not? So when police raided the customer was in process of making the proposal. He not made any proposal and there was no acceptance. So no proposal, no acceptance. So no contract of the sale. So no sale of medicine, hence no offence. उसने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि वहां पे प्रपोजल मेड ही नहीं किया गया ना एक्सेप्टेंस की गई, तो सेल्स नहीं हुई, और सेल नहीं हुई तो ऑफेंस कैसे हो सकता है, क्योंकि जो एक्ट है वो सेल की बात करता है। नाउ अनदर केस, बैंक ऑफ पटियाला वर्सेस रमेश कानोजिया, सुप्रीम कोर्ट 2004। बैंक अनाउंस अ स्कीम ऑफ अ वॉलंटरी रिटायरमेंट, टाइम वॉज ऑल्सो स्पेसिफाइड विद इन विच एम्प्लॉय मे अप्लाई फॉर सच रिटायरमेंट। Ramesh, an employee, applied for VRS, which was rejected by the bank. Case was filed and it was contested that the bank cannot refuse voluntary retirement. And it was said that in contention that a VRS is proposal and I accepted to the proposal. So it is a contract by the agreement. Court held that the VRS is only invitation for proposal. VRS is only invitation for proposal. Now question, kind of proposal, how many kinds of proposal? There is a specific, which is made to specific individual or by name of any individual. Next is general. In this, persons are not certain to whom the proposal is made. There is uncertainty regarding the person or persons to whom proposal was made. Anson said, proposal can be made to uncertain person, but the person accepting must be certain. So if proposal in general in nature, it can be accepted by anyone, but person must be certain when acceptance took place. Jab acceptance ho rahi hai tab koi certain person hoga general proposal mein, baki general jo proposal hai wo at large kisi ko bhi diya ja sakta hai aur wahan pe certainty honi zarurat nahi hai, lekin acceptance ke dauran certainty hona ati avashyak hai. Now, what amount to the performance of general proposal? Performance of a condition given in proposal is acceptance of the proposal. Case law, Harbhajan versus Harcharan. The person was rewarded who found the lost boy. In this, founding is a condition which is fulfilled. So it is acceptance of general proposal. Next case is Carbolic versus Smoke and Company. There can be contract if general proposal is accepted. It was held in this case. Company made the advertisement. Whoever uses the product, if suffered by the influenza, company will pay £100. Lady suffered. She was made entitled to recover the amount. As we discussed earlier also, she has accepted the general proposal and the condition was fulfilled. So generally, advertisement is not a proposal, it is invitation. But when advertisement required to do something, then advertisement is proposal. इसी तरीके से हम advertisement में भी कह सकते हैं कि जब वहां पे कुछ करने के लिए बोला हुआ है, कुछ condition बता रखी है, तब वो उसको ये माना जाएगा कि वो proposal है, अन्यथा नहीं होता. तो कंडीशन अगर कोई दी गई है, then that will be a case of a proposal. Section 8 of Indian Contract Act. Performance of the condition of proposal is also acceptance and no need to communication.
Performance of conditional proposal is also acceptance and no need of communication. So can proposal be withdrawn? Yes, it can be withdrawn anytime before it is being accepted. Acceptance होने से पहले पहले उसको कभी भी withdraw किया जा सकता है proposal को. There is a case Errington versus Errington. Withdrawn in what manner? Withdraw कैसे करेगा? Withdraw in the same manner in which there was advertisement. अगर advertisement से दिया है तो advertisement से ही withdrawn किया जाएगा. If proposal was made by the advertisement, then withdrawn shall also be made through the advertisement. So this was held in this case. Another case, Ramnathan versus NTC Limited. Sometime by advertisement information is sought. Whoever give correct information of the boy will be rewarded. By chance, 4% give correct information, A, B, C, D. Whether the contract will be for all 4%? Whether the contract will be for all the 4%? Law is, contract is with one informer, not with all informer. But which one? First informer, whose information reached first. Rule was laid down in Lancaster versus Walls. This rule also followed in India. Now, manner of revocation. Manner of revocation of proposal given in section 6. First, by communication of notice of the revocation by proposal to the other party. By communication of the notice of the revocation by the proposer to the other party. Second, by lapse of time prescribed in proposal. When person make a proposal, he has the right to prescribe time in which proposal should be accepted. Suppose time is given for 15 days and no acceptance was made, then proposal comes to end. So once a proposal, always a proposal, not apply in contract. Third is, by failure of the acceptor to fulfill condition precedent. By failure of the acceptor to fulfill condition precedent. That is, condition to be performed first, then agreement as enforceable. If acceptor failed to fulfill proposal condition, then proposal is said to be revoked. Fourth is, by death or insanity of the proposer, if the fact of the death or insanity comes to the knowledge of the acceptor before the acceptance. Case, English case, Dodds versus Dickinson. A makes a proposal to sell his car to B. A also makes same time a proposal to C regarding to same car. And time was prescribed 15 days. B accepted on 5th day and car sold to B. Someone informed this fact to C. Thereafter, C accepted proposal on 10th day. A does not sell car to C. C claimed that there was a contract and it is the case of breach of contract. In this case, there was already knowledge to C regarding B acceptance, so there is no acceptance by C. Hence, no contract between A and C. It was ruled out. But this case not applicable in India. In above said fact, a proposer has given no notice of revocation. So proposal is still there. Therefore, the contract exists. And for the breach of contract, A has to pay damages to C as per Indian law. Because in India, there is express statutory provision. Case law rule not applicable. Case law rule not applicable. So this is all about cross proposal or counter proposal and invitation to proposal. And jo cases the inke regarding isse aapko sara clear ho gaya hoga. So thank you to each and everyone. धन्यवाद.